डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथ एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन किया जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा में टोटल 5 क्वेश्चंस है। अब 5 क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थान में भरना है। ठीक है, सबसे पहले तीसरा का पहला सवाल क्या बोल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे 2 है, फिर खाली स्थान है, फिर कॉमा है, 26 है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से इस सवाल को दो मेथड से बना सकते हैं, एक मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं कि अगर 3 गो पद अगर एपी में रहता है, 1, 2, 3 गो पद है, किसमें है ये, एपी में, तब जो बीच वाला होता है, बीच वाला पद किनारे का जोड़ को, यानी किनारे वाला जितने भी पद हैं उनको ऐड करके और हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो किनारे में यहां 2 है, यहां 26 है, और 2 से डिवाइड कीजिए तो 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 भागा करेंगे 14। ठीक है, तो हम यहां से एक चीज निकाल लिए कि अगर बीच वाला पद निकालना होता है तो 2 + 26 को ऐड कर लिए तो बीच में कितना भर दिया, 14। मेथड नंबर 2 समझिए, यानी कि क्वेश्चन वही है और उसी क्वेश्चंस को हम लोग तरह तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एक सवाल को कई तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड नंबर 2 में सीखिए कि जो शुरू में एपी का वैल्यू रहता है वहां पे लिखिएगा कि दिया है, किसका मान दिया है भाई, तो ए का वैल्यू कितना दिया, 2, और अंतिम पद कितना है, अरे अंतिम पद है कितना, 26, तो लास्ट पद हो गया 26, और टोटल कै गो पद है, तो एगो, यहां खाली स्थान था तो 2 गो और 1, 3 गो, यानी टोटल एन का वैल्यू कितना, 3। तो आप यहां से सबसे पहले डी निकाल लीजिए। अब डी कैसे निकालेंगे, तो an बराबर a + an - 1 × d। तो इस फॉर्मूला में an के जगह पर रखिएगा 26, a के जगह पर रखिएगा 2, n के जगह पे 3 है, 3 - 1 × d। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो d का जो वैल्यू आएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं कि कितना आएगा, तो इसमें आएगा 12। कितना आएगा इसमें, D का वैल्यू आ गया 12। अब D का वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है कि बीच वाला पद निकालना है ना, क्योंकि खाली डब्बा तो बीच में था, तो बीच वाला कितना पद पर है, तो फर्स्ट सेकेंड यानी कि दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद के लिए आप क्या करिएगा, दूसरा पद बराबर a + d, क्योंकि दूसरा पद निकालना होता है तो एक कम करके हम लोग निकालते हैं, तो a + d का मतलब हुआ a का वैल्यू कितना, 2, और d का वैल्यू इससे निकाल लीजिएगा सूत्र से, तो 12, तो 12 × 2 = 14। तो कहने का मतलब जो तरीका आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स बहुत तरह के मेथड से बनता है। ये रहा, अब इसको बोल देंगे शॉर्ट, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता में बन गया। अब इसको बोलेंगे मेथड नंबर 2, थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि यहां पर हमको पता चला ए का वैल्यू और लास्ट में 26 तक के लास्ट हो गया है, तो 26 तक के लास्ट हो गया तो लास्ट पद बोल दिए, अंतिम पद, और टोटल कै गो है, 1, 2, 3, तो n बराबर 3 हो गया, और यहां से d का वैल्यू निकाल लेंगे, और d का वैल्यू निकालने के बाद हमें दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद के लिए a + d फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है दसवां पद के लिए a + 9d यूज किया जाता है, ठीक है, आठवां पद के लिए a + 7d यूज किया जाता है, एक कम यूज किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे आप दूसरा पद के बाद खाली स्थान था वहां से निकाल दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तीसरा में जितना भी सवाल दिया हुआ है सबको क्या करना है, सबको एक ही काम करना है, खाली स्थान को भरना है। तीसरा का जरा दूसरा देखिए, पहले खाली स्थान है, ठीक है, फिर कॉमा है, 13 है, फिर कॉमा है, फिर खाली स्थान है, फिर 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कीजिए,
कोई भी लगातार अगर तीन ठो रहता है ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो लगातार है इसको सबसे पहले लिखिए। तो इसको सॉल्यूशन हल में करिएगा, सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम काम यही करेंगे कि 13 खाली स्थान और 3 का मान निकाल लेंगे कि यहां पे मान कितना है भाई। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला से बीच वाला पद बराबर कितना, तो किनारे वाला को जोड़ दीजिए, पहले हम इतना से चल रहे हैं ठीक है, बीच वाला पद किनारे वाला को जोड़ दीजिए, तो 13 + 3/2 16/2 यानी कि आ गया 8, यानी कि यहां पे कितना भरा गया 8। ठीक है, अब 8 भरा गया, अब हमें किसका किसका मान निकालना है, अब लिखेगा अब कैसा आपको एपी बन गया, तो अब आपको ऐसा एपी बन गया, यहां खाली स्थान कॉमा, यहां 13, यहां 8 तो भरा गया, यहां पे 3, तो यहां से हमको अब क्या क्या लिखेंगे, अब लिख दीजिए दिया है ए का वैल्यू, यानी कि एपी का शुरू वाला वैल्यू तो हमको निकालना है, खाली स्थान है यहां पे, तो ए का वैल्यू वाट, और लास्ट कितना तक किया, 3 तक किया, तो लास्ट को बोलते हैं अंतिम पद ए एन बराबर 3, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर किसको करते हैं, तो बाद वाला में से पहले वाला को घटाते हैं, तो आप या तो 8 में से 13 को घटा लीजिए या तो 3 में से 8 को घटा लीजिए, तो हम 3 - 8 कर दिए, क्योंकि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी पद में से उसके पीछे वाला को घटा लेना है, तो 3 - 8 गया -5। ठीक है, अब कई गो पद है, तो 1, 2, 3, 4, तो आप एन का वैल्यू कितना लिख दीजिएगा, 4, और फिर वही सूत्र, कौन सा सूत्र, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × d, ये वाला सूत्र में आप एन का मान रखिएगा, डी का मान रखिएगा, एन का वैल्यू रखिएगा, तो ऑटोमेटिक यहां से ए आ जाएगा, और जितना ए आ जाएगा तो यहां पे आप भर दीजिएगा, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक हम लोग भरते चले जाएंगे। यानी कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ये जो तीसरा का जो क्वेश्चन दिया है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स को आप किसी भी मेथड से कैसे भी करके भर देना है ताकि वो एपी में हो जाए। ठीक है, तो आखिर ये एपी में होने के लिए सबको सिस्टमैटिक तरीके से, तो हम आपको ये वाला अधूरा छोड़ दिए हैं, यहां से चल के आप ए का मान निकालिएगा और फिर आप जो आएगा इस तरीके से हम लोगों का ये डब्बा फुल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो क्वेश्चन आपको हम समझा के छोड़ रहे हैं, प्लीज आप उसको जरूर पूरा कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, तीसरा का ही अभी चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, यहां पे दिया है 5, यहां पे दिया खाली स्थान, यहां पे दिया खाली स्थान, ठीक है, यहां पे दे दिया 9 पूर्णांक 1/2। चलिए हमको सवाल क्या निकालना है, जरा आप देखिए, सबसे पहले यहां पे सवाल दिया है, क्या क्या दिया है पहले आप ये लिख दीजिए, कोई भी सॉल्यूशन या क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें यहां दिया क्या क्या है भाई, तो आप लिखिएगा दिया है क्या दिया है, तो एपी का शुरू वाला पद को तो प्रथम पद कहते हैं, और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए का वैल्यू कितना दे दिया 5, अब अंतिम वाला पद यानी कि जो एपी लिख रहा होता है अंत कहां किया है, लास्ट में, यानी कि ए एन बराबर 9 पूर्णांक 1/2, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, तो 19/2। अब आप ये देखिए कि टोटल कै गो पद है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो एन का वैल्यू हो गया 4। दोस्तों जब 3 चीज दिया है तो आप डी निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से भाई, तो वही सूत्र, अब तो हम लोगों के लिए वो जो सूत्र है पुराना बन गया है, ठीक है, तो कौन सा सूत्र है भाई, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × d, इस फॉर्मूला से आपको चलते चलते किसका मान निकालना है, डी का मान निकल जाएगा, टिक कर दिए हैं, मतलब इससे चल के
आपको ए एन का मान रखना। देखिए अब जो चीजें होनी चाहिए ना आप अच्छे से ढंग से सॉल्व करो, क्यों नहीं आएगा? अब नहीं भी आएगा कब? जब आपको जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीजें हार्ड नहीं है, बसरते आपको अच्छे से ईमानदारी से ढंग से दिमाग लगाकर उसका वैल्यू निकालना है, वहां पे किसका किसका वैल्यू रखना है, किधर से किधर गया तो प्लस हुआ, किधर से किधर गया माइनस, यानी हल करना है बस। हल करके आप डी निकाल लिया, तो अब हम आप देखिए तो कैवा कैवा पद निकालना है, तो इस एपी का दूसरा पद निकालना है और इसी एपी का तीसरा पद निकालना है। तो अब डी का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा कि दूसरा पद निकालिएगा। तो दूसरा पद के लिए आपके पास क्या फार्मूला बताया है कि कितना भी पद निकालना होगा दोस्तों उसको एक कम करके लिखो। तो दूसरा पद के लिए आप a प्लस डी करेंगे, तो a का वैल्यू तो शुरू में दिया है और d का वैल्यू जितना आएगा उससे आप चल के जो यहाँ आंसर आएगा वो यहाँ पे भरा जाएगा। समझ रहे चीजें क्या हो रही है? फिर तीसरा वाला भी तो खाली जगह है, तो आप निकालिएगा तीसरा पद, इसी के नीचे तीसरा पद निकाल दीजिएगा। तीसरा पद के लिए फार्मूला क्या बनेगा आपको पता है, a प्लस टू डी। तो a का तो वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है और d का मान जितना आएगा उतना रख के ये वाला जितना आएगा यहाँ पे भर देंगे। इस तरीके से हम लोगों का जो खाली स्थान है वो पूरा हो जाएगा। देखिए अब चीजें जो है ना हम आपको आंसर तक नहीं ले जा रहे हैं, हम आपको बस सिर्फ समझा रहे हैं कि आप क्या क्या निकालिएगा तब क्या कीजिएगा तो वहां पे खाली स्थान भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा का चौथा क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि तीसरा में 5 क्वेश्चन है तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए फटाफट, मतलब किए नहीं आपको करना पड़ेगा यार, अब सब कुछ हम करके देंगे तो आपको फिर प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा, थोड़ा सा आपसे भी तो आंसर आना चाहिए। और पता है अगर मान लिया जाए कि एज ए मैथ स्टूडेंट हम है और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आंसर भी आते चल रहा है ना, तो एक अच्छा मतलब अपने अंदर से अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं मेरे से क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है, आंसर आ रहा है। तो कम से कम ऐसा चीज आप करो, खुद से आंसर लाओ, खुद से आंसर मैच करो। अगर नहीं मैच होता है कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, जरा उसको अच्छे से करो। ठीक है, हार नहीं मान। तीसरा का चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, माइनस में 4 है, फिर डब्बा है, फिर डब्बा है, लगातार भाई 4 डब्बा दे दिया, तो लोग जो है ना इसको देखकर हड़बड़ हो जाएंगे कि सर ये बनेगा नहीं, भाई तेरे से सब बनेगा। बसरते आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो चीजें दिया हुआ है आप लिखो। सबसे पहले तो लिखा जाता है कि क्या क्या चीज दिया है, तो ये एपी है और एपी कहां से शुरू हो रहा है भाई, -4 से। जब -4 से शुरू हो रहा है तो प्रथम पद कहलाएगा ना, और अंत कहां कर रहा है, 6 पे कर रहा है, अंत कहां कर रहा है 6 पे, तो इसको बोलेंगे an बराबर 6। अब टोटल कै गो एपी का पद है, तो 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू हो गया 5। अब इससे भी हमको तो सार्व अंतर पता नहीं है भाई, सार्व अंतर तो पता नहीं है, तो सार्व अंतर पद पहले निकाल लीजिए, सार्व अंतर को d बोलते हैं, आप यहां से d निकाल लीजिएगा। पता है ना कैसे d निकलेगा, फिर से पुरानी बात, आप सूत्र यूज कीजिएगा, और कौन सा सूत्र, वही पुराना an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, उसका इस्तेमाल करके आप d का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये टिक हो गया का मतलब कुछ ना कुछ संख्या निकलेगा, 2 4 -8 -6 कुछ तो आएगा d का वैल्यू। अब d का वैल्यू आ गया तो आप ये सोचिए कि सवाल में कहां कहां डब्बा है, तो डब्बा यानी कि खाली स्थान दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो आप उसी तरीके से दूसरा पद निकालिएगा, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस डी, ए का वैल्यू पता है और डी का वैल्यू पुट करते जाएंगे, दूसरा पद के लिए जो आंसर आएगा यहां भरेंगे, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस टू डी बनाइए, इसके लिए निकालिए, चौथा पद निकालिएगा, पांचवा पद निकालिएगा। इस तरीके से चारों रिक्त स्थान हम लोगों का क्या होगा, भर जाएगा और फिर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर आंसर हम लोगों का मैच हुआ तो अंदर से एनर्जी आता है कुछ भी काम को करने के लिए। अक्सर मैथ स्टूडेंट जो ना हड़बड़ा जाते हैं फट से, अगर भाई तेरे को नहीं आया एक बार में आंसर, आप प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो, जोड़ने घटाने गुना करने भाग करने में गड़बड़ कर रहे हो, फिर से देखो उन चीजों को, कोई चीजें हार्ड नहीं है,
आपसे आएगा, जरा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक हिंट्स के तौर पे बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिएगा और जो आंसर आएगा दूसरे पद का, तीसरे पद का, चौथे पद का, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा का फिफ्थ। खाली स्थान पहले ही दे दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, खाली स्थान है। फिर 38 है, फिर क्या है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर से खाली स्थान है, फिर -22 है। ठीक है, अब जरा इन चीजों को देखिए। अब यहां तो भाई ए का भी वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि ए तो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये दिया हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ए तो पता नहीं है और न ही डी पता है, और सिर्फ एन का वैल्यू पता है और लास्ट टर्म पता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ए का तो वैल्यू पता नहीं है दोस्त, नहीं पता है, इसलिए आप इसको अभी खत्म करो, इस कहानी को खत्म करो। आप सवाल इतना करके बनाओ, यानी सबसे पहले आप सवाल में क्या कीजिएगा, सबसे पहले सवाल में क्या कीजिएगा कि आप 38 से लेकर इधर का वैल्यू निकाल लीजिए। 38 के बाद एक डब्बा, फिर दो डब्बा, फिर तीन डब्बा, फिर -22। समझ रहे चीजों को, हम क्या बोले कि अगर किसी क्वेश्चन में भाई ए का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, प्रथम पद नहीं दिया रहेगा, तो आप जहां से दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले निकाल लो। 38 खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान, -22। अब इस सवाल में तुम्हें क्या दिया है, दिया है ए का वैल्यू तो पता चल गया 38, एन का वैल्यू कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, एन का वैल्यू 5, लास्ट टर्म अंतिम पद कितना, तो -22, और यहां से आप चलते चलते डी निकाल लो। समझ में आया, डी कौन सा फार्मूला से, वही सूत्र से चलते चलते आप निकाल लीजिए, डी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब डी का मान आ जाने के बाद आपको करना क्या है, इसके नीचे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम आपको बगल में दिखा रहे हैं, ये डी का वैल्यू जो आ जाएगा, क्योंकि आप इससे ना ए का मान और एन का वैल्यू लिखे हैं, तो आप इसी से खाली स्थान को भर लीजिए। तो इससे ये वाला एपी से ये खाली स्थान कितने नंबर पे है, ये खाली स्थान कितने नंबर पे है, तो ये खाली स्थान दूसरे नंबर पे है, यानी कि आप दूसरा पद निकालिए, दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या, ए प्लस डी, बताया है आपको। तो ए का वैल्यू जितना है, ए का वैल्यू कितना है 38, और डी का वैल्यू कितना, तो डी का वैल्यू जितना आएगा, समझ पा रहे, और उसको ऐड कर दीजिएगा। तो यहां जो आंसर आएगा, या तो आप बोलिए कि सर हम यहां पे भर दे रहे हैं, या फिर यही वाला जो आंसर आएगा यहां पे भी भर देंगे। समझ में आ रही है बातें जो बोला जा रहा है। अच्छा, उसी तरीके से अब इसी एपी में आप तीसरा पद निकालिए। तो इसमें जो तीसरा पद निकलेगा, तीसरा पद वो कैसे निकलेगा, 1, 2, 3, इससे हम लोग अभी चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो आप दूसरा पद निकाल रहे, तो आप 1, 2, 3 वाला पे क्यों भर रहे हैं। अरे भाई, हम तो पहले इसको लिए है ना, तो इसमें जो है ये तो दूसरा नंबर पे आ रहा है ना, और 38 के बगल में जो होगा यहाँ पे भर देंगे। उसी तरीके से तीसरा पद भी लेंगे, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 2D। तो ए का अमाउंट ऑलरेडी 38 और डी का वैल्यू, यानी कि ऐसे करते आप तीसरा निकालिएगा, तीसरा का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा, और यहाँ पे जो भर आएगा वही यहाँ पे भी भर आएगा। समझ रहे, फिर आप चौथा पद निकालिए, इसके लिए तो ए प्लस 3D का यूज कीजिएगा, डी का मान जितना आएगा उसको पुट करते चले जाइएगा, तो यहां वाला वैल्यू हम लोगों को निकलेगा, तो यहां वाला वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो मेरा सवाल था पांच नंबर क्वेश्चन, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ए प्लस 3D, ये सब सारा का वैल्यू
जो यहां पे आएगा वो तीनों भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सवाल दिया हुआ था उसमें एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, इधर वाला तो भरा गया, ठीक है। जब इधर वाला भरा गया तो इसको इसके बाद यानी कि इसके नीचे आपको क्या करना होगा, अब जो है पुनः एक सवाल लिखना होगा। अब लिखिएगा इतना चीज करने के बाद, फिर लिखिएगा अब कैसा सवाल बन गया, तो यहां खाली स्थान, यहां 38, यहां यहां तो वैल्यू आ चुका है, यहां भी वैल्यू आ चुका है, यहां भी वैल्यू आ चुका है, यहां पे वैल्यू आ चुका है, ठीक है, सबका वैल्यू तो आ चुका है। यहां से लिखिएगा कि दिया है, फिर से पुनः लिखिएगा कि दिया है ए का वैल्यू व्हाट, और डी का मान लिख दीजिएगा, क्योंकि एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन का वैल्यू कितना हो गया टोटल 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म -22, ठीक है। और डी का मान आप बाद वाला में से पहले वाला को घटा लीजिएगा, क्योंकि ये सब का मान तो अब पता चल गया होगा ना, तो ये सब का वैल्यू पता हो गया, तो बाद वाला में से पहले वाला को घटा लीजिएगा, तो बाद वाला में से पहले वाला को घटा के जितना आएगा डी का मान, और फिर वही सूत्र से चलिएगा, एक ही तो सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अब जो है ए का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ जाएगा, तो यहां पे भर देंगे, इस तरीके से मेरा जो पूरा रिक्त स्थान है वो क्या हो जाएगा, टोटल भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा का पांचों क्वेश्चंस करेंगे। अब तीसरा का पांच क्वेश्चंस आपको खुद करना है, हमको काम था समझाना, और हम समझा चुके कि किसका किसका वैल्यू कैसे कैसे करके आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास किताब है तो किताब जरूर खोलिए, बुक जरूर आपके सामने रखिए। एपी में दिया है, बोल रहे एपी में दिया है, एपी में कौन सा पद दिया है भाई, तो 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ठीक है। और ऐसे 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 बोल के बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी 78 तक के लास्ट हो जा रहा है। देखिए हम हमेशा बोले कि अगर वां लगा रहेगा ना, देखिए अगर किसी में वां लगा रहेगा जैसे 4वां, 5वां, 8वां, तब ये हो जाता है एन का मान, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जहां कहीं भी वां नहीं लगे जैसे 75, 78, 76, तो आपको यह समझना है कि ए एन का मान हो जाता है, यानी वो अंतिम पद बन जाता है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको याद आना चाहिए कि आखिर एन का वैल्यू कब होगा और ए एन का मान कब होगा। तो जहां पे भी वां लग जाए ना, 8वां, 10वां, 12वां, 75वां, 71वां वां लग जाए वो हो जाता है एन का मान, और जहां कहीं भी वां नहीं लगा रहे तो ये हो जाता है एन का मान। तो आप सवाल नंबर 4 देखिए, बोल रहा है कौन सा पद 78 है, सिर्फ 78 बोला है, न कि 78 वां बोला है। अगर 78 वां बोल रहा होता सवाल में तब ये एन का वैल्यू हो जाता, लेकिन यहां पे कौन सा पद 78 है सिर्फ बोला, तो 78 को हम लोग लास्ट में लिख दिए। अब यहां से बोल रहा है कि किस किस का वैल्यू दिया, तो अब यहां से लिख दीजिएगा दिया है ए का वैल्यू कितना दिया भाई, 3, डी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 8 में से 3 गया 5। एन का वैल्यू कै गो, वही तो पूछ रहा है कि कैवा पद यानी कि एन का वैल्यू निकालना है, कब, जब ए एन का वैल्यू दिया है लास्ट में 78, ठीक है। तो आप इसका सूत्र से चल के आप एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा कितना होगा, और वही सूत्र है पुराना सूत्र, हम तो बार बार बकते बकते क्या बोले थक गए हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलिए फिर बता दिए हम। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या क्या का मान दिया है और क्या निकालना है, बस हम ये हिंट्स कर दे रहे हैं सवाल को पढ़ के। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है,
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? अरे भाई बात तो वही है ना, देख लो पांचवा में दो गो सवाल है, पहला और दूसरा। पहला में बोल रहे हैं 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे करते करते 205 तक गया है। फिर क्या बोला, 18 है, 15 पूर्णांक 1/2 है, फिर 13 है, ऐसे करते करते -47 तक गया है। तो इसमें भी n का मान निकालना है, इसमें भी n का मान निकालना है, मान कि कितना पद है ये पूछ रहा है। तो दोनों में n का वैल्यू निकालना है, और a का वैल्यू दिख ही रहा है, झलक रहा है 7। d का मान निकाल लीजिएगा, अंतिम कहां किया 205, तो अंतिम पद हो गया n। तो आप दोनों ही सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा, दोनों में n का वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए, क्या एपी का एक पद इतना है और क्यों? देखिए एपी में बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है कि क्या एपी का एक पद इस तरीके से है, 11, 8, 5, 2 -150 है। तो -150 नहीं लिखा हुआ है, वन लगा रहता तब वो एन का वैल्यू होता, यहां पे तो सिर्फ 150 -150 लिखा है। तो क्या बोल रहा है कि क्या ये एपी का है कि नहीं है, हमें सवाल बोल रहा है कि ये क्या ये एपी है। तो देखिए एपी का रहेगा तो एन का वैल्यू पूरा पूरा आना चाहिए। देखिए एक और चीज है कि अगर कोई चीजें एपी का तभी होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सार्व अंतर जो है समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एपी को चेक करने के लिए एक और गुण है, उसका बताना भूल गए थे हम, ये कि एन का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो पूरा पूरा आना चाहिए। जैसे एन का वैल्यू निकालेंगे, एपी तभी कहलाएगा जब एन का वैल्यू पूरा पूरा आना चाहिए। जैसे कि अगर 1.3 आ गया एन का मान, तो वो एपी में नहीं है। यानी कि एन का जो मान निकलेगा वो पूरा पूरा आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 8 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन कभी भी 2.8 नहीं आएगा, 2.9 नहीं आएगा, 4.6 नहीं आएगा। यानी कि दशमलव में, डेसिमल में, पॉइंट में कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका हिंट्स दे रहे हैं, क्या कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा दिया है, दिया है ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू 8 -11 माने कि -3, एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू माइनस में 150। अब यहां से आप सूत्र का इस्तेमाल करके एन का वैल्यू निकालिएगा। अगर एन का वैल्यू पूरा पूरी आता है, जैसे कि 4, 8, 10, 12 पॉइंट नहीं, अगर मान ली अगर आता है तो लिखिएगा अतः ये एपी में है, ठीक है, एपी में है। अगर पूरा पूरी नहीं आया, जैसे आ गया कटने के बाद एन का वैल्यू आ गया पॉइंट में 8.4, 5.6, तब यहां पे लिखिएगा चूंकि एन का वैल्यू पॉइंट में है, दशमलव में है, अतः ये एपी में नहीं है। तो आप खुद चेक कर लीजिएगा एन का वैल्यू निकालने के बाद कि किस में आता है, ठीक है। ये बात हम चूंकि भूल गए थे, और इसीलिए तो क्वेश्चन अगर आता है तो ऑलरेडी याद आ जाता है कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल है, सिर्फ ये बोल रहा है कि एन का वैल्यू संभव है या फिर कितना होगा, क्या ये एपी में है। तो आप चेक कर लीजिएगा एन का वैल्यू निकालकर कि किस में आ रहा है। अगर एन का वैल्यू पूरा पूरा में आ रहा है तो वो एपी में है, अगर पॉइंट में आ रहा है वो एपी में नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे 6ठा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए, क्या एपी में 50 पद है। सॉरी 6ठा किया ना, 7वां क्वेश्चन देखा जाए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 31वां लिखा है, तो 31वां पद मतलब कि एन का वैल्यू 31, जिसका 11वां पद 38 है। एक मिनट
हमें क्या बोल रहा है कि n का 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद 73 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 7वां नंबर में 31वां पद निकालना है। सवाल देखिए, 31वां पद बराबर वाट, यही ना, 31वां पद बराबर वाट क्या होगा, कब, जब दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो दिया है कौन सी दिया है, तो 11वां पद जो है, 11वां पद कितना है, तो 11वां पद 38 है, ठीक है, और 16वां पद 73 है, 16वां पद जो है वो कितना है, 73। चलिए जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे। 11वां पद बोला 38 और 16वां पद बोला 73, ठीक है, यानी कि ये दोनों का मान दिया हुआ है और इसका मान जो है निकालना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कि 31वां पद क्या होगा, मतलब कि 31वां पद बराबर वाट, जबकि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। भाई मेरे आप एक बात बताओ कि भूले तो नहीं ना हो तुम कि अगर पांचवां पद रहता है तो तुम a प्लस 4d भी लिख सकता है, आठवां पद रहेगा a प्लस 7d भी लिख सकता है, लिख सकता है ना। वैसे ही आप करो क्या कि 11वां पद 38 है इसलिए तुम लिखो a प्लस 10d का जो मान है वो 38 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, 11वां पद बोला तो 11वां के बजाय हम ये तो लिख सकते हैं a प्लस 10d कितना 38, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर कितना देना है, सेकेंड, फर्स्ट, और फिर क्या करेंगे, फिर और एक चीज और दिया है, 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 15d बराबर में कितना 73। ये समीकरण दो है और दोनों समीकरण को घटाइए या फिर जोड़िए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे साइन जो है चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, ऐसा करने पे a और a कट गया और 10 में से माइनस का वैल्यू हो जाता है, तो 10d में से अगर 15d गया तो माइनस में बचा 5d बराबर 38 में से 73 घटाइए तो कितना बच गया, इसमें 35 बन गया शायद, हाँ 35, ठीक है, माइनस में 35 ना, अब ये माइनस से माइनस कट गया इसलिए डी का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 × 7 = 35, डी का वैल्यू कितना आ गया 7। हम लोग ये जो चीजें है ना ये हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसा पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा पढ़े हैं कि हम लोग काट सकते हैं, जैसा कि दो गो समीकरण आया तो दोनों को जोड़ या घटा करके साइन चेंज करके डी का मान आ गया, अब डी का मान आ गया तो आप फिर से लिखिएगा पुनः हम समीकरण एक से चल रहे हैं, समीकरण एक से, तो समीकरण एक यही ना है, कौन सा है भाई, तो a प्लस 10d बराबर 38 ये है, अब d का मान कितना आया 7, तो यहाँ पे d का वैल्यू 7 रख दीजिए, तो a प्लस d का वैल्यू 7 रखेंगे तो 10 × 70 = 70 बराबर में 38, इसलिए जो a का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये प्लस में 70 है, उधर जाएगा तो माइनस में 70 बनेगा, तो यहां बनेगा 38 − 70, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 × 2 = 10 की 0 हाथ में 1, 3 और 8 × 2 = 1, 3 −32 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब a का वैल्यू हमें पता चल गया और d का वैल्यू पता चल गया तब उसके नीचे लिखिएगा क्या, अब कैवा पद निकालना है, 31वां पद, तो 31वां पद बराबर 31वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस 30d,
तो a का मान ये वाला रख दीजिएगा और प्लस करके 30 से गुना करके d का मान रख दीजिएगा और जो आएगा वही हम लोगों का 31वां पद का आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कभी कभी ऐसा सवाल देता है कि 10वां या 12वां पद निकालिए जबकि दो गो पद का वैल्यू दे दिया रहेगा। तो जब दो गो पद का वैल्यू दिया रहेगा साथियों, आप उसको दो समीकरण बनाइएगा और दोनों समीकरण से ए और डी का मान निकाल लीजिएगा और जब ए और डी निकल जाएगा तो फिर हम लोग कैवा पद भी बोले आंसर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम आज इतना ही तक स्टॉप करते हैं इस क्लास को, क्वेश्चन नंबर 7 तक के टोटल देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन कितना है। 7 टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 7 अगर माइनस किया जाए तो 13 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं। तो 13 तो एक क्लास में इम्पोसिबल है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो दो क्लास अभी लगेंगे 5.2 को खत्म होने में। और दूसरा अंत में हम ये बात कहेंगे ये कि अगर आपसे बन रहा हो क्वेश्चन तो भाई 7 तक ही नहीं बनाना, 8, 9, 10, 11 तुम ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। अगर तुमसे नहीं बनता कोई बात नहीं, फिर तो हम बताएंगे ही ना। तो इसलिए आज की क्लास को 7 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करते हुए एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।